हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोर्थ इंजीनियर्स। तो एडवांस मशीन डिजाइन का एग्जाम आप लोग का आई थिंक 1 मई से स्टार्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ और किया हूँ कोशिश बनाने के लिए। तो इस लेक्चर में जनरली मैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4 को कवर किया हूँ। ओके, बाकी के जो दो यूनिट का है वो मैं जल्दी बनाकर आप तक पहुँचा दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 से ओवरऑल मैंने 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है जो कि मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। और बोले तो ऐसा कि एवेंजर एंड गेम मूवी आने से पहले का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट बन रहे थे, या बाहुबली 2 के आने से पहले जो कॉन्सेप्ट बन रहे थे, वो होने वाला है। काफी न्यू सिलेबस है ये, कुछ टॉपिक्स पुराने हैं इसमें बट काफी न्यू सिलेबस है इसका। तो भाई मैंने भी कोशिश किया है कि जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं अकॉर्डिंग टू RJPV उसको कवर करने के लिए। इस यूनिट से मैंने ये 8 क्वेश्चन को चूज किया है, ठीक है? तो थोड़ा लेक्चर्स को स्टॉप पॉज करके डायरेक्ट इसको रिटर्न करना मत, स्टार्ट हो जाना, कुछ सुन लो, बता रहा हूँ क्योंकि काम आएगा। बताऊंगा इसमें कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कम मतलब बोले तो कम इंपॉर्टेंट है, ये सब हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 जो है, सिस्टम अप्रोच फॉलोड इन द डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट। ओके, तो मशीन कंपोनेंट जब भी आप डेवलप करते हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन से सिस्टम को मींस लेना पड़ता है, कौन कौन से सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, किसी मशीन कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गियर बॉक्स बनाने हैं तो सबसे पहले आप देखो मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट में क्या है, मटेरियल इकट्ठा करो, मार्केट में वो मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, जिससे मैन्युफैक्चर होगा वो मैन्युफैक्चर मशीन अवेलेबल है या नहीं, वो टूल अवेलेबल है या नहीं, है मार्केट में कितनी इसकी डिमांड है, ठीक है, कितने में बिकेगी, क्या ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सब आपको करना है, ठीक है। यूनिट क्वेश्चन 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल सिस्टम विथ एग्जाम्पल। तो किसी एक टेक्निकल सिस्टम का बना लेना, फॉर एग्जाम्पल इंजन से साफ जो निकला है आपके व्हील तक गया है तो उसके बीच में जो कपली वगैरह है तो कितने सिस्टम है उनको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इंजीनियरिंग डिजाइन एंड देयर टाइप्स। इंजीनियरिंग डिजाइन क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस वेरियस फेज एंड इंटरेक्शन ऑफ द डिजाइन प्रोसेस। ओके, तो डिजाइन प्रोसेस में कौन कौन से फेज होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन करने के लिए, ठीक है, ये सब की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर डिजाइन टूल्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द डिजाइन इंजीनियर। तो डिजाइन इंजीनियर को कौन कौन से टूल्स का यूज करते हैं या फिर क्या रिसोर्सेज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको सॉलिड वर्क, आइडिया, ये सब सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिजाइन स्टैंडर्ड्स एंड कोड फॉर डिजाइन इंजीनियर। फॉर डिजाइन करने के लिए क्या आपको स्टैंडर्ड्स, क्या कोड को आपको फॉलो करना पड़ता है, ये सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, वेरियस टाइप ऑफ लोड फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप कौन कौन से लोड उस पर, आप कौन कौन से लोड को लेके चलोगे ताकि वो लोड जब पड़े तो वो सेफ रिजल्ट दे। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग हो गया, टेंसाइल हो गया, इलास्टिक हो गया, ये सब, ठीक है। एट हो गया हमारा, डिस्क्राइब रिलायबिलिटी कंसिडरेशन इन डिजाइन। तो डिजाइन में क्या क्या चीजें रिलायबल है आपको बताना। ये ओवरऑल 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 से, ठीक है। यूनिट 2 से मैंने ओवरऑल 11 क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। यूनिट 1 से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई न्यूमेरिकल आएगा, बट अगर आप ज्यादा पढ़ने के इच्छुक हो तो प्लीज आप देख लेना, ठीक है, न्यूमेरिकल। यूनिट 2 है, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, ऑल्सो राइट द एसेप्शन थ्योरी। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है कि ज्यादा मेहनत मत करो पढ़ने की, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, तो सोम की बुक निकालो, बंसल वगैरह किसी की भी, थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी उसमें है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, किस पे काम होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये सब लिख देना है इसमें, ठीक है। और उसके क्या क्या थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी जब आप पढ़ते हो तो क्या क्या टर्म्स को एज्यूम लेते हो, एजम्पशन के मेट पे क्या क्या लेते हो, तो वो लिखना है, ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा नेट से, ठीक है। नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी, सेम
थ्योरी ऑफ प्लास्टिसिटी क्या होता है, उसमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो उसके एक्सेप्शन कौन कौन से लेते हैं, एंड फोर्थ डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर द मटेरियल थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, फोर्थ डिस्प्लेसमेंट का एक आप ग्राफ ढूंढना है जिसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, किसी भी मटेरियल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कैसे होता है, उसका ग्राफ करके बताना कि हाउ मच फोर्स, फोर्स लगा रहा है तो लोड कितना हो रहा है, मतलब फोर्स लगाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और कौन सा पॉइंट होगा जहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा किसी मटेरियल का। ठीक है, ये आपको ऐसा ग्राफ करके एक्सप्लेन कर देना। फॉर एग्जाम्पल आप स्टील का हो गया, नहीं स्टील नहीं, कास्ट आयरन का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कास्ट आयरन को बता देना, कास्ट आयरन को ज्यादा आप जोर लगाओ तो बिखर जाएगा, ब्रिटल होगा, टूट जाएगा। तो एक बार प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब एक बार गया तो गया, ठीक है, अब दोबारा वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड है हमारा एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक एनर्जी। तो इलास्टिक मेन इलास्टिसिटी थ्योरी में ही आ जाएगा कि एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक एनर्जी के लिए कैसे डेरिवेशन है, वो आप देख लेना कहीं से। ठीक है, व्हाट इज फेलियर, फेलियर क्या होता है, एंड फेलियर मोड क्या होता है, इफेक्टिव एनालिसिस क्या है, ये सब देख लेना, कौन कौन से फेलियर होते हैं, किस कारण फेलियर होते हैं किसी मटेरियल में, किसी बीम या किसी भी ऑब्जेक्ट में, ये सब। ठीक है, टाइप ऑफ मैकेनिकल फेलियर मोड, ओके, व्हाट टाइप ऑफ फेलियर मोड विल बी प्रेजेंट, वो सारे आप देख लेना, पांच छह टाइप के होते हैं, पांच छह टाइप के होते हैं। ठीक है, सिक्स है स्टैटिस्टिकल टर्म्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल टर्म, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल मतलब आप ग्राफिकल फॉर्म में आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक आप पढ़े होगे, उसमें आप मीन वैल्यू, डेविएशन, एवरेज डेविएशन, ये सब पढ़े होगे, तो आपको उसका फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन डिफाइन कर देना है। ठीक है, Now, how design can be modified using statistical approach? तो कैसे ग्राफ के हेल्प से या स्टेटिस्टिकल के हेल्प से कैसे भी आप किसी डिजाइन की मॉडिफाइड करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई बीम है, ठीक है, उस बीम को विद हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिकल आपको उसके डिजाइन को मॉडिफाई करना है, तो बीम पे लोड लगता है तो उसका एक ग्राफ बनाइए, फिर देखिए ग्राफ में क्या चेंजेस कर सकते हैं, ग्राफ के हेल्प से आप डिजाइन को मॉडिफाई कीजिए। क्लियर, नाउ मोड ऑफ क्रैक फेस डिस्प्लेसमेंट, क्रैक फेस डिस्प्लेसमेंट कितने मोड के होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सप्लेन टर्म फ्रैक्चर क्राइटेरिया एंड फ्रैक्चर टफनेस क्या होता है, ठीक है, ये दोनों आपको लिखना है। हाउ मटेरियल इज सेलेक्टेड फॉर डिजाइन अ मशीन एलिमेंट, तो कोई मशीन एलिमेंट अगर आप डिजाइन करने जा रहे हो तो उसके लिए क्या क्या आपको मटेरियल की प्रॉपर्टीज को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और कैसे आप कोई मटेरियल चूज करोगे। नाउ डिजाइन ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज, फॉर एग्जाम्पल रिसाइकल रीयूज में क्या करना है आपको, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो कितने लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल के बाद क्या उसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं, या फिर उसको रिसाइकल करके नया ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत फिनिशिंग करके उसको दोबारा रीयूज कर लो, ये सब आपको बताना है। नाउ अब आते हैं यूनिट फोर पे। यूनिट फोर पे ओवरऑल मैंने 7 क्वेश्चन लिया है, काफी टफ यूनिट है, ठीक है, काफी टफ यूनिट है, इसलिए मैं सोचा पहले इसको निपटा दूं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट डिजाइन एनालिसिस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। तो लिमिट डिजाइन क्या, एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको उसको डिफाइन करना है, आफ्टर दैट लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है, ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई स्ट्रक्चरल डिजाइन कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट टाइप ऑफ लिमिट वैल्यू यू हैव टू डू। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई पुल बना रहे हो तो उसमें लिमिट क्या लगेगी, उस पर मैक्सिमम 10,000 न्यूटन लोड पड़ सकता है, उस पर फ्रिक्वेंसी इतनी होगी, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो जो लिमिट पॉइंट है वो सबको डिफाइन करना है। ना सेकेंड है हमारा शॉर्ट नोट एंड डिफॉर्मेशन बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ओके, तो जब इलास्टिक लिमिट जो ग्राफ बनता है उसके ऊपर जब आप जाओगे, इन दैट केस जो डिफॉर्मेशन होगा उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड है हमारा बेंडिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन, तो अनसिमेट्रिकल सेक्शन जो है, फॉर एग्जांपल एल सेक्शन, फॉर एग्जांपल के सेक्शन, ये सब क्या है, अनसिमेट्रिकल है। मतलब अनसिमेट्रिकल सेक्शन बोले तो ऐसा सेक्शन जिसको अगर आप किसी भी साइड से करो तो वो मिरर वर्जन ना बने। फॉर एग्जांपल ये एल सेक्शन है, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ से कट करोगे तो इसको फिर जब फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे को नहीं कवर कर लेगा, ठीक है, या फिर आपके पास जैसे कि के सेक्शन है, ठीक है, के सेक्शन को अगर ऐसे अगर कवर करोगे ये तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, एक दूसरे को ढक लेगा, बट अगर इसको कहीं ऐसे काटोगे ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो
ये सब। तो अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या है, क्लियर हो गया? नाउ बेंडिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन, जब अनसिमेट्रिकल सेक्शन में जब बेंडिंग पड़ता है तो सब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये सब आपको बताना है, ठीक है? तो याद है ना MI अपॉन CJ वाला वो सब फॉर्मूला छाप देना पूरा सोम का, ठीक है? नाउ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम ड्यू टू अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। तो अगर आपके पास कोई बीम है, फॉर एग्जाम्पल जो बीम है वो जे सेक्शन का बीम है, ठीक है? जे सेक्शन का बीम है, वो एक तरफ से फिक्स है, उसमें जब लोड लग रहा है तो जो बेंडिंग हो रहा है, ठीक है, वो उसके लिए फॉर्मूला क्या, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, ठीक है, एम का। तो डिफाइन सीयर सेंटर, सीयर सेंटर क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है। ऑल्सो डिफाइन सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल सेक्शन क्या है उसे भी डिफाइन करना है। सिमेट्रिकल सेक्शन क्या है, सिमेट्रिकल सेक्शन बोले तो जैसे एच सेक्शन, एच सेक्शन, ठीक है? अब इस सेक्शन को अगर आप ऐसे अगर क्रॉस करो, ये इसके ऊपर छप जाएगा, ये सिमेट्रिकल, इसको ऐसे भी कर दो तो ये थोड़े को ढक लेगा, ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकल है, इसलिए अब ये होता है सिमेट्रिकल सेक्शन, ठीक है? सिमेट्रिकल सेक्शन बोले तो आई सेक्शन को भी सिमेट्रिकल सेक्शन बोलते हैं। यहाँ से अगर कट करोगे तो भी सिमेट्रिकल होगा, यहाँ से कट करोगे तो भी सिमेट्रिकल होगा, ठीक है? नाउ लोकेट सियर सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन, ओके? तो इस पे यू सेक्शन, बी सेक्शन, आई सेक्शन, टी सेक्शन, जेड सेक्शन, जेड सेक्शन, इस खूब सारे सेक्शन का आप एक दो सेक्शन है फॉर इम्पोर्टेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल यू सेक्शन, आई सेक्शन, जेड सेक्शन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इन सब सेक्शन का सीयर सेंटर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब थोड़ा देख लेना, सोम की बुक निकाला उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक लेक्चर होगा वो देख लेना, सॉरी हाँ CI, सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसा। तो आप सोम का आपके पास बुक है तो काफी कुछ कवर कर सकते हो इस सब्जेक्ट का। तो न्यूमेरिकल इस यूनिट से बनने वाला है इसी सेक्शन में, इस सेक्शन का यू का, आई का, टी का, जेड का, ऐसे आपके न्यूमेरिकल बनेगा। कोई बुक वगैरह है तो प्लीज न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए कोई बुक एग्जाम्पल जो सोम का बंसल की बुक उठाना, उसमें जहाँ पे CI वगैरह फाइंड कर रहे थे ना, मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, ये सब, उसमें ऐसा आई सेक्शन, जेड सेक्शन के न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारे सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो ओवरऑल ये मैंने तीन यूनिट में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको तैयारी कर लो जितना जल्दी हो सकता है, और मैं इसकी गारंटी 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ भाई, ये आएगा ही आएगा, ऐसे ना कि ना आए तो फिर बाद में लगो आप कोई कमेंट में गाली देना, ठीक है? ये पेपर आज तक पहली बार ये पेपर इस सब्जेक्ट का बनने जा रहा है, ठीक है? तो कह नहीं सकते क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर एक मेंटेलिटी, एक मैच्योरेशन रखा जाए अगर एज अ टीचर, तो इस सारे यूनिट से यही कुछ टर्म्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में दिए जा सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज अगर नहीं आए ये सब क्वेश्चन ना, तो भाई लेवल खराब है, यूनिवर्सिटी का लेवल खराब है, बस समझ में समझ, क्योंकि इस यूनिट से यही सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं है, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, ऐसे ही अच्छे वीडियोज के अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। तो थैंक यू, गुड बाय।